नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। कुछ स्टॉक्स रिजल्ट्स के बाद एक भारी करेक्शन में आ रहे हैं, उनमें से एक स्टॉक का नाम है ट्राइडेंट। ट्राइडेंट रिटेल कैटेगरी की पोर्टफोलियो का एक बड़ा हिस्सा है। ट्राइडेंट का टिकट साइज थोड़ा छोटा है तो ये इन्वेस्टर्स को काफी लुभाता है, काफी अट्रैक्ट करता है और ट्राइडेंट का शेयर भी मल्टीबैगर है। आप सभी को याद होगा ये शेयर 15-16 रुपए से भागकर 70 रुपए का हो गया था 2021-22 की तेजी में। उसके बाद एक करेक्शन शुरू हुई, लगभग 30-25 रुपए का लो लगाया, 33-30 रुपए करीब मैंने काफी डिस्कस करा, एक्चुअली 28 रुपए पे, जब मैं आपसे कहता था लगभग इस कंपनी का 7 रुपए के करीब का अर्निंग पर शेयर है आपका, तो सॉरी 7 के अभी ये स्टॉक जो आपका, एक्चुअली मैं खुद ही भूल गया हूँ, मैं 7 के अर्निंग पर शेयर पे स्टॉक अराउंड आपके लिए 4 times के मल्टीपल्स पे मिलता है, तो ये स्टॉक आपको 28 रुपए के करीब का मिलेगा, तो वहाँ 28 रुपए पे आप लीजिए। ये मेरा व्यू रहता था, अभी मुझे याद नहीं आ रहा कि अर्निंग पर शेयर की बात करता था मैं किसकी। अभी अगर मैं आपके साथ डिस्कस करूँ तो स्टॉक आपके लिए 55 के पीई पे ट्रेड कर रहा है। हाँ जी, बुक वैल्यू उस समय स्टॉक की बुक वैल्यू अराउंड 7-7.5 रुपए हुआ करती थी, जब मैं कहता था 4 times की बुक वैल्यू पे मिले तो खरीदिए, जहां पे 7-28-29 रुपए का भाव निकालते थे। अभी बुक वैल्यू बढ़कर 8.5 रुपए हो गई है, जिसके हिसाब से लगभग 34 रुपए का भाव आता है। तो स्टॉक मैंने काफी निचले स्तर से आपके साथ डिस्कस किया हुआ है और ये स्टॉक काफी लोगों की पोर्टफोलियो में भी है और जो हमारे व्यूअर है उनके पास भी है डेफिनेटली, क्योंकि स्टॉक मैंने नीचे से भी डिस्कस किया है। अभी रिजल्ट से पहले 40 रुपए था, तब भी मैंने कहा है कि रिजल्ट अगर अच्छे आ गए तो ये 44 रुपए तक की जर्नी तय कर सकता है, लेकिन अगर रिजल्ट्स में कोई प्रॉब्लम आ गई तो स्टॉक वापस से 38 रुपए के करीब भी आएगा। जब सुबह 38 रुपए के करीब मुझे स्टॉक दिखा तो भी मैंने पहली वीडियो में ही आपके साथ ये सारी चीजें डिस्कस करी कि टेंशन मत लीजिएगा, घबराइएगा मत, जब भी हम ट्रेड लेते हैं हमें नेगेटिव पॉजिटिव दोनों सोचना होता है। हमने नेगेटिव भी सोचा था और हमने यही सोचा था कि गिरावट में ऐड करेंगे, टेंशन नहीं लेंगे। एक्चुअली में नंबर्स काफी ज्यादा खराब आ गए, इतनी उम्मीदें खराब की थी नहीं, सब कुछ ही खराब हो गया, मतलब ऑपरेशनल बेसिस पे ही खराब आ गया। रेवेन्यू घट गया, कामकाजी मुनाफा घट गया, मार्जिन घट गए, प्रॉफिट घट गया, सब कुछ टूट गया कंपनी का, तो नंबर्स काफी खराब थे। 5% गिरना तो एक्चुअली में बनता था, लेकिन 38 रुपए पे ना मेरे को ऐसा लगता है कि ज्यादा कुछ खोने के लिए नहीं है, टेक्निकल भी सपोर्ट कर रहे हैं और ज्यादा खोने के लिए भी नहीं है, बट क्योंकि रिजल्ट्स हर एक पैमाने पे खराब आए हैं तो मैं क्या करूंगा, एक आध दिन और वेट कर सकता हूं। आपने एवरेज कर लिया कोई इशू नहीं है, नहीं किया है तो आप एक आध दिन और वेट कर लीजिए। इस रिजल्ट्स के बाद ये स्टॉक अगर 38 रुपए के नीचे और थोड़ा निकलता है तो अराउंड 36.5 रुपए तक की जर्नी खुल सकती है। 36.5 रुपए की जर्नी में मेरे को लगता है ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। बाकी स्टॉक में मैक्सिमम लेवल पे जो डाउनसाइड अभी टेक्निकल टर्म्स पे दिख रही है 37.5 की है, वो लेवल अगर ब्रेक हुआ है स्टॉक में तो 36.5 रुपए का भाव आएगा। और दोनों ही लेवल पे मैं आपसे कहूंगा एवरेज करो, खरीदो, टेंशन फ्री होकर बैठो, क्योंकि स्टॉक छोटे समय के लिए नहीं, आपसे मैं पहले ही कह रहा हूं 1.5-2 साल के व्यू के हिसाब से उठाऊं। और स्टॉक में टेक्निकल टर्म्स पे ना 50 रुपए की जर्नी आपको दिखेगी, कम से कम 50 की। ये जो 35-38 रुपए की रेंज है ये 3 रुपए है मात्र, 10% भी नहीं होता है, लेकिन ऊपर 50 रुपए 35 रुपए से काउंट करोगे तो 50% हो रहा है ऑलमोस्ट। अब आप देख लो कि मेरे को 10% के रिस्क के सामने 50% तक का गेन मिल सकता है। अगर आप ट्रेडर हैं और ट्रेड करना पसंद करते हैं तो आप सभी के साथ इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा एक शानदार ऐप को, जिसका नाम है मार्केट वुल्फ। जी हाँ दोस्तों, मार्केट वुल्फ एक सेबी रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको ट्रेड करने के लिए कोई डीमैट अकाउंट ओपन करने की जरूरत नहीं है। यहाँ आप विदाउट टेक्निकल नॉलेज भी ट्रेड कर सकते हैं और स्कैल्पिंग के लिए ये बेस्ट है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कैसे मार्केट वुल्फ की ऐप को यूज करना है और कैसे ये आपकी ट्रेडिंग में मदद कर सकती है। सबसे पहले आपको यहाँ पे पिन डालकर लॉग इन कर लेना है, उसके बाद आपको सिलेक्ट करना है बेस्ट वे टू ट्रेड ऑप्शन को, जहाँ पे आपके लिए ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे। इनमें से हम सिलेक्ट कर लेते हैं फिन निफ्टी को। ट्रेंड को देखकर ऐसा लग रहा है कि ये ऊपर जा सकता है, एक अमाउंट डिफाइन कर लेंगे एंड अप ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे। एंड लास्ट ऑप्शन में हमें चूज करना है फास्ट और फास्टर, कम रिस्क लेने वालों के लिए फास्ट प्रॉफिट बेस्ट है, और बस हो गया आपका ट्रेड। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि मार्केट ऑप्शंस में ट्रेड करने के लिए हमें केवल 9 रुपीज की जरूरत पड़ती है, जिससे हम डील कर सकते हैं। साथ ही साथ प्लेटफॉर्म पे कोई मेंटेनेंस फी पे करने की जरूरत नहीं है, केवल एक बार डबल लाइन फी देनी है, उसके बाद लाइफ लॉन्ग आपके लिए मेंटेनेंस फ्री हो जाएगा। इसी के साथ आपको यहाँ पे मिलता है एक यूनिक स्टॉप लॉस का फीचर, जो कि आपके ट्रेड में ऑटोमेटिकली स्टॉप लॉस लगा देगा जो भी अमाउंट पे आप लगाना चाहते हैं, और जैसे ही उस अमाउंट के नीचे निकलेगा आपका ट्रेड वो पोजीशन ऑटोमेटिकली कट हो जाएगी, जिससे आपका एक्सेसिव लॉस नहीं होगा। ये बिगिनर्स के लिए काफी यूजफुल है। एंड आप अपने ट्रेड को लाइव मॉनिटर कर ही रहे हैं और तुरंत आपका प्रॉफिट हो गया है। ये केवल एक डेमो वीडियो थी आपके लिए, यहाँ पे आपको प्रॉफिट हो गया।
गया विद इन 2 मिनट्स, जो कि 63% का होता है। इसी के साथ इनका एक कमाल का फीचर है ब्रोकरेज का। अगर आपको ट्रेड में लॉस होता है तो केवल आपको 9 रुपए ब्रोकरेज ही देनी है, अगर आप प्रॉफिट करते हो तो आपको 19 रुपए ब्रोकरेज देनी है। बाकी की इंडस्ट्री से काफी सस्ता है, इंडस्ट्री में 15 से 20 रुपए पर लॉट चार्ज किया जाता है। तो देर किस बात की है, जाइए और फटाफट से ऐप को डाउनलोड कीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा मार्केट गुल्फ का। शेयर बाजार में दो ही चीजें हैं जो आप दे सकते हो, या तो भर भर के पैसा या फिर समय। अब दोनों ही चीज आपके पास नहीं है तो फिर आप कैसे पैसा बनाओगे भाई? सिंपल है, शेयर बाजार में पैसे वाला और पैसा बना रहा है और गरीब बेचारा छोड़ के जा रहा है। आप दोनों गलती कर रहे हो। गरीब कम पैसे से मेरा मतलब है, ऐसा नहीं कि गरीब वैसा गरीब में बोलना चाह रहा हूं, तो प्लीज डोंट टेक इट रॉन्ग वे। तो अगर आप लो टिकट साइज का अमाउंट लेके आए हो मार्केट में और आप सोच रहे हो मैं जल्दी पैसा बना लूं, तो आप भाई नियति गलत लेके आए हो। वो पैसा टूट जाएगा, डूब जाएगा आपका। लेकिन आप कम लेके आए हो, आप समय ज्यादा दे सकते हो, तो वो कंपाउंडिंग की पावर प्ले करके आपका पैसा बड़ा बना देगी। निश्चिंत आप रहोगे एंड डेफिनेटली बनाएगी। तो 38 रुपए पे मैंने आपके साथ लेवल डिस्कस करे हैं। पहला है 37.7 का, 37.6 का जो सपोर्ट है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, क्योंकि वो बेस है स्टॉक का रेंज का। वो ब्रेक होने के बाद 1 रुपए और नीचे 36.5 रुपए, वो ब्रेक मुझे नहीं लगता करेगा ये स्टॉक रिजल्ट्स के बावजूद भी। ऊपर में स्टॉक आपके लिए टेक्निकल टर्म्स पे भी अगर मैं देखूं तो कुछ नहीं तो दोबारा से 40 रुपए, देन 44, देन 46 और इवेंचुअली 50 रुपए तक के मेरे लक्ष्य बनेंगे। बट अभी इन नंबर्स के बाद तो आना बहुत मुश्किल है। और आज जो सेलिंग हुई है वो भी छोटी लेवल पे नहीं हुई है, 5.5% नीचे है। और इंटरेस्टिंगली जो स्टॉक टूटा है ना, बड़े वॉल्यूम्स के साथ टूटा है, 6% नीचे दिख रहा है। मैं देख पा रहा हूँ स्टॉक में आपके लिए लास्ट ट्रेडिंग सेशन में भी अराउंड 2.4 करोड़ शेयर ट्रेड हुए हैं, 32% की डिलीवरी थी आज। ऑलरेडी अभी तक 3:08 का समय हो रहा है, 2.4 करोड़ शेयर्स ऑलरेडी ट्रेड कर चुके हैं। तो स्टॉक में वॉल्यूम्स अच्छे खासे हैं और वॉल्यूम्स के साथ गिरावट है, ये एक थोड़ा सा चिंता का विषय है। तो एक आध दिन और वेट करेंगे, उसके बाद इस स्टॉक में हम एक्शन लेंगे, बाकी निकालने के बारे में तो नहीं सोचना चाहिए। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए एक डिटेल वीडियो थी ट्राइडेंट के स्टॉक के ऊपर। होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।